नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेजल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने कम लागत वाला होम लोन प्रोग्राम रोशनी लॉन्च किया है? सही जवाब है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी एचएफसी ने कम लागत वाले गृह ऋण कार्यक्रम रोशनी का अनावरण किया। यह लॉन्च पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एक व्यक्ति की घर खरीदने की इच्छा को सक्षम करने और सहायता करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है। अगला सवाल, किस बैंक ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की? सही जवाब है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। एक बयान के अनुसार इस साझेदारी के माध्यम से बैंक के नए और मौजूदा ग्राहक अब बजाज आलियांज लाइफ के खुदरा उत्पादों में से चुन सकते हैं, जिसमें सावधि बचत, सेवानिवृत्ति और निवेश उत्पाद शामिल है। अगला सवाल, किसने BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 को जीता? सही जवाब है मनीषा रामदास। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने मनीषा रामदास को 17 साल की उम्र में SU5 सेक्शन में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के बाद BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। अगला सवाल, किसे पेंगुइन रैंडम हाउस के अंतरिम CEO के रूप में नामित किया गया था? सही जवाब निहार मालवीय। भारतीय मूल के प्रकाशन कार्यकारी निहार मालवीय को न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्कस डोहले के बाद अंतरिम CEO नामित किया गया है। अगला सवाल, किसने अशोक लेलैंड के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला? सही जवाब शेनू अग्रवाल। अशोक लेलैंड ने शेनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया है। उन्होंने विपिन सोंधी की जगह ली, जिन्होंने नवंबर 2021 में पद छोड़ दिया था। इससे पहले श्री अग्रवाल ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। छठा सवाल, किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है इंदौर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार यह है। 7वां सवाल, किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? सही जवाब है ईशान किशन। भारत के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली और उन्होंने सिर्फ 126 गेंदों पर दोहरा शतक बनाया। अगला सवाल, किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? सही जवाब है सिडनी मैकलॉगलिन और मोंटो डुप्लांटिस। अमरीकी 400 मीटर बाधा दौड़ की स्टार सिडनी मैकलॉगलिन और विश्व और ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा क्रमशः महिला और पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया। अगला सवाल, किस देश के इडन हिजार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? सही जवाब है बेल्जियम। बेल्जियम के स्टार फुटबॉलर 31 वर्षीय इडन हिजार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 126 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 33 गोल किए। 10वां और आखिरी सवाल, कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही जवाब तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दीर्घकालिक आधार पर उन्हें बहाल करने के अलावा राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन का शुभारंभ किया। तमिलनाडु को जलवायु स्मार्ट राज्य बनाने के लिए अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बनने का खिताब दिया गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगला सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।